हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सैडनेस इक्वल टू लेस व्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, यूट्यूब पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला हैप्पीनेस के साथ वीडियो बनाने वाले और दूसरा सैडनेस के साथ वीडियो बनाने वाले। अब अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहा जाए तो जाहिर सी बात है आप हैप्पी वाली वीडियो को ही चूज़ करोगे, और ज़्यादातर लोग भी यही करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप मनोज डे की वीडियो देखते हो, तो उनकी ओवरऑल वीडियो देखने के बाद आपको एक खुशी मिलती है, क्योंकि वो बुरी सी बुरी चीज़ सेट से सेट ने उसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अंत में लोग उनकी वीडियो देखने के बाद खुश होकर ही उनके चैनल से वापस जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सैडनेस के साथ वीडियो बनाने वाले लोग। अगर आप एक ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें आप पहले तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कर रोना रोते हो, और उसके बाद लोगों को कुछ रोने धोने की इंफॉर्मेशन बता के झेलाते रहते हो, और लास्ट के एक मिनट में आप काम की बात करते हो, और आपकी 50% ऑडियंस होती है ना, वो पहले ही आपकी वीडियो छोड़कर चली जाती है। और इसका फ़ायदा वो क्रिएटर उठाते हैं जो आपको नई नई स्कीम बताते हैं। वो बोलेंगे ये सेटिंग करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखो, ऐसे टैग लगाओ, तब आपकी वीडियो पर व्यू आएंगे। लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है। अगर आपकी वीडियो देखकर किसी के चेहरे पर स्माइल आती है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो दोबारा भी आपकी वीडियो डेफिनेटली देखेगा। इसलिए आप अपनी वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें ओवरऑल वीडियो देखने के बाद आपका व्यूअर या सब्सक्राइबर खुश होके आपकी वीडियो से वापस जाए, तभी आपके चैनल पर अच्छे व्यू आएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। बस यही कारण है गाइस कि जो कॉमेडी वीडियो होती है, एंटरटेनिंग वीडियो होती है, उसमें मिलियंस में व्यू आते हैं। उनके व्यू क्यों डाउन नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी ऑडियंस उनके चैनल से खुशी खुशी जाती है। अगर आपने भी अपने चैनल पर ये चीज़ करना सीख लिया ना, अपने वीडियोस के साथ ये खेल खेलना सीख लिया ना, तो आपके चैनल पे कभी भी लेस व्यू की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद।